नमस्कार बच्चों, आज अपन बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर दूसरा टॉपिक लेंगे। सेकंड पेपर का दूसरा टॉपिक है अपने पास में, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इसमें पहले अपन देखेंगे कि होता क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती क्या है। इसको देखिए बच्चों, दो शब्दों से मिलकर बना, प्रो और उसके बाद कैरियोटिक। इसका मतलब रहता है, प्रो का मतलब रहता है आदिम प्रकृति का, यानी कि ओल्ड एज का आदिम प्रकृति, आदिम जिसको अपन इंग्लिश में कह सकते हैं प्रिमिटिव। और कैरियोटिक से अपन मीनिंग निकालते हैं न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस यानी कि केंद्र। यानी कि ये जो जीव रहते हैं, प्रोकैरियोटिक जो जीव है, इनमें आदिम प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, जिनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पे है जीवाणु है, आर्किबैक्टीरिया है आदि। यूकैरियोटिक जीव कौन से होते हैं? अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये जीव हमेशा क्या है, सिंगल सेल एनिमल या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनके अंदर हमेशा एक ही कोशिका पाई जाएगी। जबकि यूकैरियोटिक अगर जीवों की हम बात करें तो यह हो सकते सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर जीव भी हो सकते हैं यूकैरियोटिक जीव। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? यू का मतलब है सुविकसित, सुविकसित, सुविकसित। और उसके बाद कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक, यानी कि वे जीव जिनके अंदर केंद्रक जो है सुविकसित अवस्था के अंदर पाया जाता है, उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक जीव। इसमें अपन एग्जांपल के तौर पर अपन सब यूकैरियोटिक जीवों में ही आते हैं। एक कोशिकीय जीवों की अगर अपन बात करें, एक कोशिकीय जीव जो रहते हैं प्रोटोजोआ है जैसे, ये भी यूकैरियोटिक जीवों के अंदर आते हैं। और सारे मल्टी सेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वह सभी जीव यूकैरियोटिक जीवों के अंदर आते हैं। अब अपन देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या मेन अंतर क्या क्या है, डिफरेंसेस क्या क्या है, ये जो दोनों प्रकार के जो जीव हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसके अंदर देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपके सामने जब कभी भी प्रोकैरियोटिक टर्म आए तब आपको याद आना चाहिए जीवाणु के बारे में, यानी कि बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक की बात करें अपन तो अपन सब यूकैरियोटिक जीव ही है। सबसे मेजर डिफरेंस क्या है इनके अंदर, इन जीवों के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक जो है, वह मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है। यानी कि जैसे कि ये कोई कोशिका है तो इसका जो अनुवांशिक पदार्थ है, इसका जो डीएनए जो रहेगा, अनुवांशिक पदार्थ जो है, वह सेल के अंदर बिखरी हुई अवस्था के अंदर पाया जाता है। इसको अपन कहते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड कहेंगे जिसको अपन, जो कि कोशिका के अंदर कहीं भी बिखरी हुई अवस्था के अंदर पाया जा सकता है। लेकिन अगर अपन बात करें यूकैरियोटिक जीवों की, तो यूकैरियोटिक जीवों के अंदर न्यूक्लियस जो रहेगा वह मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, यानी कि उसके चारों तरफ, केंद्र के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जिसको अपन कहते हैं। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र। आप सब लोग जानते हैं इनमें पाए जाते हैं गुणसूत्र। जबकि इनके अंदर, प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर, न्यूक्लियस संगठित अवस्था के अंदर नहीं पाया जाता है, जबकि इनमें न्यूक्लियस संगठित अवस्था के अंदर पाया जाता है। दूसरा क्या है इसके अंदर, देखिए इनके अंदर कि यह सिंगल थ्रेड होता है, सिंगल थ्रेड, जबकि इसमें यूकैरियोटिक जीवों के अंदर कई सारे गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इनके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक पाया जाता है, एक नहीं भी ओरिसी पाया जाता है, इसको
इसको अपन क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, जबकि इनके अंदर कई सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाए जाते हैं। यह सर्कुलर अवस्था में पाया जाता है, इनका जो गुणसूत्र है सर्कुलर अवस्था में पाया जाता है, जबकि इनके अंदर गुणसूत्र सर्कुलर अवस्था के अंदर नहीं पाया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, रेप्लिकेशन का जो है प्रोसेस है यूकेरियोटिक जीवों के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन यानी प्रतिलिपिकरण, रेप्लिकेशन यानी प्रतिलिपिकरण, जिसमें डीएनए से डीएनए बनता है, वह इसमें होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। रेप्लिकेशन के साथ साथ में ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वह भी न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, जबकि ये जो जीव है प्रोकैरियोटिक जो जीव रहते हैं इनके अंदर रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन जो है, अनुलेखन जिसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, वह भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। यह जैसे कोशिका है, जीवाणु कोशिका अपन एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, तो वह भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही घटना घटित हो रही है रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन की। बट इन दिस केस रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन बहुत आ रही न्यूक्लियोप्लाज्म। ये तो बात होगी केंद्रक के बारे में। अब इसके बारे में बात करते हैं डीएनए कैसा है। इसका जो डीएनए रहता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि डीएनए को आपस में बांधने का काम करता है। डीएनए की जो पैकेजिंग होती है उसमें हिस्टोन प्रोटीन हिस्सा लेता है, जबकि इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम को अपन कह सकते हैं राइबोसोम होते हैं प्रोटीन की मशीनरी होती है, जिसके अंदर जिसके ऊपर निर्माण होता है प्रोटीन का। राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। यहाँ पर जो राइबोसोम पाए जा रहे हैं, वह सितर एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वह 80S प्रकार के होते हैं। एस क्या है, यहाँ पे सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट को हम एस कहते हैं, सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट एस कहलाता है। यहाँ पर है 70S प्रकार के राइबोसोम, जबकि वहां पर है 80S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। अब बात करते हैं कि इन ये जो जीव रहते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इनके अंदर देखिए ये जो जीव है प्रोकैरियोटिक, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यानी कि ऐसे ऑर्गेनल जिनके ऊपर झिल्ली पाई जाती हो, प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती हो, ऐसे ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जो ऑर्गेनल होते हैं वह मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि झिल्ली युक्त होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इनके अंदर एक कोशिका ही सारे काम करती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सभी सदस्य क्या है बच्चों, एक कोशिकीय सदस्य है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर अधिकांश सदस्य बहुकोशिकीय होते हैं। इनका जो आकार है काफी छोटा रहता है, जबकि यूकैरियोटिक जो है सदस्य इनका सेल जो है 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती है, जबकि ये जो कोशिकाएं रहती है प्रोकैरियोटिक की जो कोशिकाएं हैं वह 0.2 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होती है।
अब अपन बात करते हैं कि ऑर्गेनल्स के बारे में अगर बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अब्सेंट होते हैं जबकि इसमें प्रेजेंट रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब्सेंट होती है, इनके अंदर प्रेजेंट रहती है। लाइसोसोम्स अब्सेंट है जबकि इनमें प्रेजेंट होती है। और भी कई सारे जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, सेंट्रियोल्स है, ठीक है, वह है इनमें अब्सेंट है जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर यह पाए जाते हैं। मेजर जो डिफरेंस अपन काउंट करते हैं इनका, वह है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। डीएनए जो रहता है, मेटीरियल जो रहता है गुणसूत्र का, वह बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में सुसंगठित अवस्था के अंदर केंद्रक पाया जाता है। एक इनके अंदर एक और चीज पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जीवाणु की अगर अपन बात करें तो इनकी जो झिल्ली रहती है उसमें मीजोसोम्स पाए जाते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के संबंधित होते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट रहता है सेल वॉल का। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका रहती है इनके ऊपर सेल वॉल पाई जाती है जटिल अवस्था में, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो है उनके अंदर, प्लांट कोशिकाओं की बात करें, सेल वॉल सरल अवस्था के अंदर पाई जाती है। तो बच्चों ये आपके मेजर डिफरेंसेस है, बाकी भी और इसके अलावा भी डिफरेंसेस है कई सारे, लेकिन अपन मेजर मेजर चीजों के बारे में अपन ने ये देखा है। अगली क्लास में अपन बात करेंगे प्रोकैरियोटिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो है प्रोकैरियोटिक, उनके बारे में बात करेंगे अपन। थैंक यू।